सो गाइस कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे कार्ड के साथ एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक्स जो आपने कभी भी इससे पहले नहीं देखा होगा और सिखाया भी किसी ने नहीं होगा। तो चलिए सीख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और नए नए मैजिक ट्रिक को जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लेना। ओके सो गाइस देख सकते हैं मेरे पास है कुछ कार्ड और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कार्ड का बैक साइड। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ड है और आगे का साइड भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कार्ड है। ओके अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्ड को शफल करेंगे, जैसे कि शफल करना सबसे बेटर होता है सबसे पहले। तो हम इसको अच्छे तरीके से पहले शफल कर लेते हैं। ओके तो कुछ इस तरीके से शफल करना पड़ेगा सबसे पहले। और शफल करने के बाद हम चॉइस करेंगे एक एक करके कार्ड, तीन कार्ड चॉइस करेंगे और कार्ड को चॉइस करने के बाद ऊपर से चॉइस करेंगे और बीच में डाल देंगे। ओके तो चलिए टॉप का कार्ड हम चॉइस कर लेते हैं। तो ये जो है सेवन, ये कार्ड आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये सेवन कार्ड है और इस कार्ड को मैं टॉप में रखता हूँ। ओके कहाँ पर रखा, टॉप में। अभी इस कार्ड को मैं लूँगा और लेने के बाद कहीं पर भी बीच में मैं इस तरीके से कार्ड को डाल देता हूँ। वन सेकेंड, ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ओके गाइस देख सकते हैं किसी तरह का सेटिंग नहीं है, बिल्कुल हमने ऊपर से लिया, टॉप में, टॉप से लिया और बीच में डाल दिया। फिर एक कार्ड लेता हूँ, पहले तो कार्ड था सेवन, इसका नंबर है फोर। आपको कलर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर रखना याद तो चलेगा। तो ये नंबर फोर कार्ड है, तो आप अच्छे तरीके देख लीजिए ये नंबर फोर कार्ड को हमने टॉप में रखा। ओके और टॉप में रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको भी हम बीच में डालेंगे। तो चलिए एक सिलेक्शन कर लेते कहाँ पर डालना है, तो ये जो है हम यहाँ पर डालेंगे। ओके तो ये हमारा फोर कार्ड, फोर नंबर कार्ड को हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके सॉरी ये हमने यहाँ पर डाला। ओके ये चला गया। फिर हम टॉप से और एक कार्ड लेंगे जो कि है आया है हमारा इक्का, लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम है तो ये इक्का कार्ड है और इस इक्के को हम टॉप में रखते हैं। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस टॉप कार्ड को यानी कि इक्के कार्ड को हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके सो हमने तीन कार्ड लिया और तीनों कार्ड को उल्टा करके एक एक जगह पर यानी कि अलग अलग जगह पर डाल दिया। हमने किसी तरह भी सेटिंग नहीं किया है। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर कार्ड को एक एक करके रखने के बाद कि यहाँ पर आपको कुछ कार्ड देखने को मिल सकते हैं उल्टा, जैसे कि इक्का। ओके सो फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सेवन और फिर कहीं पर और एक जगह पर हो सकता है कार्ड, ये हमारा फोर, फोर सेवन इक्का आपको देखने को मिल रहा है। बट हम यहाँ से दो दो कार्ड निकालेंगे एक एक कार्ड के साथ, जैसे कि इक्के के साथ हम इक्के के बगल वाला कार्ड को लेंगे, यानी कि इक्का और इक्के के बाद जो कार्ड है वो कार्ड को लेंगे। तो इस कार्ड को हम दोनों को ले लेते हैं। ओके यहाँ पर रखते हैं। फिर है सेवन, तो हम देखते हैं सेवन के बाद कौन सा कार्ड है, सेवन और ये, तो सेवन को और इस कार्ड को हम ले लेते हैं और रखते हैं यहाँ पर। ओके और हमारा आखिरी कार्ड यानी कि फोर। ओके ये है फोर, तो फोर के बगल में जो कार्ड है, साइड में जो कार्ड है उस कार्ड को हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम तीन कार्ड को चॉइस किए थे, फोर सेवन और इक्का। ओके तो यहाँ पर हमने एक एक बगल वाला कार्ड लिया है, बट आप लोगों को पता नहीं कि ये वाला कार्ड कौन सा हो सकता है। मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से रख देता हूँ। ओके ऐसे तो देखिए हमने इक्का डाला था, सेवन डाला था, फोर डाला था, बट ये वाला तीनों कार्ड हमने नहीं डाला लेकिन हमने लिया। आपको पता है ये कार्ड कौन सा है, नहीं पता है ना गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब है मैजिक टाइम। तो ये इक्का है तो ये भी इक्का है और ये सेवन है तो ये भी सेवन है और ये फोर हमने लिया था बट ये फोर ही है। तो फोर को फोर ले आया है, सेवन को सेवन ले आया है और इक्के को इक्का ले आया है। तो गाइस एक बहुत अमेजिंग कूल मैजिक है जो आप अपने घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से दिखा के हैरान कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आप सीखते हैं इस मैजिक को यानी कि इस जादू को किस तरीके से किया गया है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और एक राय प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ऐसा नया नया मैजिक यानी कि जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लेना। तो चलिए आप सीखते हैं इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। इस मैजिक को करने के लिए चाहिए आपको एक नॉर्मली कार्ड डेक जिसमें बहुत सारा कार्ड आपको चाहिए और उनमें से तीन कार्ड को आपको चॉइस कर लेना पड़ता है। जैसे कि हमने किया था इक्का, सेवन और फोर, अलग अलग तरीके का कार्ड लिया था, जैसे आपको किसी को पता ना चले, आप लोगों को भी पता ना चले कि हमने पहले से कुछ सेटिंग वगैरह करके रखा है, इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कार्ड लिया है, जैसे फोर सेवन इक्का, तो किसी को कुछ शक नहीं होगा। ओके तो आप जिस कार्ड के साथ मैजिक करना चाहते हैं आपको पहले इस तरीके से दो दो कार्ड निकालना पड़ेगा, जैसे कि फोर और फोर को एक साथ रख के आपको टॉप में रखना पड़ता है, फिर सेवन और सेवन को लेके, जैसे कि जो भी कार्ड आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, टॉप में रखना, फिर इक्का और इक्का को लेकर टॉप में रखना है। ओके ये हो गया हमारा सेटिंग। अभी इसके बाद आपको सबसे पहले दिखाना है कि देखिए मेरे पास कुछ नॉर्मली कार्ड है जो बिल्कुल सिंपल सा है और आगे का, सामने का तरफ यानी कि पीछे का साइड, दोनों साइड आप अच्छे से दिखाकर फिर इस कार्ड को इस तरीके से उठा सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना कार्ड को इस तरीके से दिखा रहे हैं तो ये सामने हिस्सा वाला यानी कि टॉप वाला कार्ड दिखना चाहिए, ज़्यादा कार्ड दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा वहाँ पर इक्का है, फोर
44 है और 77 है, तो वो नंबर हम दिखाएंगे नहीं, कुछ थोड़ा सा कार्ड छोड़ के हम बाकी कार्ड को इस तरीके से दिखाएंगे, नंबर वगैरह सब देखने को मिलेगा, ये कार्ड का नंबर देखना नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा सेटिंग। अभी आपको करना क्या है, फॉल्स एक कार्टिंग करना है। फॉल्स कार्टिंग कैसे, जैसे कि हमने लिया था थोड़ा बहुत कार्ड को, पहले हमने इस तरीके से ले लिया था। ओके, और लेने के बाद हमने कुछ इस तरीके से कार्ड को कार्टिंग करने के टाइम इस तरीके से लिया और हाथों से इस तरीके से उठा लिया था। ओके, आप देख सकते हैं ये अलग से हमने उठा लिया है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है इस कार्ड का, मैजिक करने के टाइम आपको बहुत ही सारा काम आएगा। थोड़ा सा कट करने के बाद जब हमने थोड़ा और भी ज़्यादा कार्ड यहाँ पर रखा, तब हमने उंगली के माध्यम से ये वाला कार्ड को ऊपर में उठा लिया और यहाँ से फॉल्स कार्ड सफल करने लगा। ओके, हमारा जो असली वाला कार्ड है, जो सेटिंग किया हुआ कार्ड है, वो यहाँ पर नीचे है। ओके, ये वाला आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैं थोड़ा अलग कार्ड को इस तरीके से सफल कर लिया और सफल करने के बाद आखिर में हमने इस कार्ड को, जो कार्ड हमने सामने पहले लिया था, उस कार्ड को फिर से टॉप में रखा। चाहे तो आप दोबारा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से लेने के बाद, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट देखिए, ये हमारा मैजिक कार्ड जो हमने पहले से इसको सेटिंग करके रखा है। ओके, इस तरीके से लेने के बाद आपको इस कार्ड को टॉप में रखना है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत सारे काम में, मतलब मैजिक में आपको काम आएगा। ये हो गया, फिर देखिए हमारा जो सिक्स कार्ड है वो टॉप में है। ओके, 4 4 7 7 और 21। ओके, सो ये 7 6 कार्ड हमारा टॉप में है। अभी आपको करना क्या है, एक कार्ड को उठाना है, इक्का को दिखाना है। देखिए टॉप कार्ड जो है वो इक्का आया है, बट आपको पता है कि इसके बाद भी इक्का है। ओके, तो इस इक्का को दिखाने के टाइम आप इस तरह दिखा सकते हैं कि देखिए ये इक्का है, तब आपका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को थोड़ा सा उंगली के माध्यम से आपको सामने लेके आना है कुछ ऐसे। ओके, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे उंगली के माध्यम से आपको बाहर के साथ खींच, मतलब धक्का देना है। थोड़ा धक्का देंगे तो आ जाएगा एक कार्ड आना चाहिए। एक कार्ड आने के बाद आपको ये कार्ड उल्टा करके रखना है और उल्टा करने के बाद आपको थोड़ा सा सेम कर लेना इस तरीके से। और इस कार्ड को आप दिखाएंगे कि देखिए ये इक्का जो कार्ड है मैं बीच में डाल रहा हूँ, बट आपके आपको पता है कि इस कार्ड के पीछे आपने दूसरा इक्का छुपा लिया है और इसको किसी भी जगह पर आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये 7 कार्ड है, जो भी आया टॉप से हमने लिया, कुछ भी हमारा गिमिंग वगैरह नहीं है, बट आपको पता है कि इसके बाद भी हमारा 7 है। तो जब आप इस कार्ड को दिखा रहे हैं, तब आपको इस हाथ से एक कार्ड को फिर से एक उंगली के ऊपर आपको रख देना है, जैसे हमने रख दिया है, देख सकते हैं एक कार्ड। ओके, ये है एक कार्ड हमने ले लिया जो कि है 7। फिर इस कार्ड को हमने इसके ऊपर रखा इस तरीके से और थोड़ा सा सही कर लिया, सेम टू सेम कर लिया, दोनों कार्ड पता ना चले कि यहाँ पर दोनों कार्ड है, देख लीजिए, बट यहाँ पर 2 कार्ड है। फिर इस तरीके से लेने के बाद फिर हमने दूसरे जगह पर इस तरीके से डाल दिया। ओके, फिर सेम टू सेम आपको तीसरा कार्ड लेना है, दिखाने के देखिए नंबर 4 है, ये हमने रखा यहाँ पर। और देखिए ये जो 4 कार्ड है, हम इसको किसी और दूसरे जगह पर डाल देते हैं या तीसरे जगह पर डाल देते हैं, बट इसके पीछे भी एक कार्ड है। फिर हमने इस तरीके से लिया और इस कार्ड को किसी तीसरे जगह पर डाल दिया। बट हो गया हमारा मैजिक, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बट आपको करना क्या है, सिर्फ इस तरीके से रखना है और दिखाना कि देखिए यहाँ पर जो जो कार्ड हमने डाला है उसके बाद कार्ड को लेंगे, तो ये इक्का है, तो इसके साइड का कार्ड भी हमारा इक्का है। ओके गाइस, ये आपको पता चल गया है। फिर नेक्स्ट कार्ड हम लेंगे 7 7 के नीचे वाला कार्ड लेना है, आगे वाला कार्ड नहीं, पीछे वाला कार्ड। 7 को ले लेते हैं और 7 के पीछे वाला कार्ड ले लेते हैं, तो ये देखिए ये भी 7 है और हमारा आखिरी कार्ड 4, इसके पीछे का कार्ड भी हमारा 4 होगा। तो बहुत ही अमेजिंग और कूल मैजिक है, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बेटर तरीका है, जिस तरीके से हमने दिखाया आपको सफल करने का तरीका, वो सबसे अच्छा होता है इस मैजिक के लिए। आप इस ट्रिक को बहुत सारे जगह पर दिखा सकते हैं, ये जो है ये वाला चीज़ को आप बहुत सारे जगह पर इस तरीके से काम पे ले सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आज इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते। और नया नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर लेना। और साथ साथ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना यार, आप लोगों की लाइक की बहुत जरूरत है। और साथ साथ इस मैजिक को किसी ना किसी के साथ जरूर दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि ये मैजिक बहुत ही बेहतरीन है और कार्ड का इतना बढ़िया ट्रिक्स हमने पहली बार आपको यूट्यूब पर सिखाया है। तो चलिए आज यहाँ पर खत्म कर लेते हैं।